मिलाद मनाना हमारा ईमान है, मिलाद के बगैर हमारा गुजारा नहीं। मिलाद का माना है हुजूर का जिक्र करना और नबी पाक के आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये हमारा ईमान है। लेकिन मेहरबानी करें, छतों से लंगर ना फेंकें, ये मना। शफकत करें, मेहरबानी फरमाएं, ये म्यूजिक वाली नाते ना सुनाएं। बांसुरी बाज रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर साथ थे, बांसुरियां बाज रही थी। नबी पाक ने कानों में उंगलियां ले ली, थोड़ा आगे जाके फिर हुजूर ने पूछा, आवाज आ रही है या रसूलल्लाह? आ रही है। तो हुजूर ने उंगली निकाली नहीं, फिर आगे जाके पूछा, आवाज आ रही है? हुजूर नहीं आ रही। फिर नबी पाक ने कानों से उंगलियां निकाली। खुदा रा, जिस चीज को हुजूर ने पसंद नहीं किया तो उसके साथ नबी पाक की नात पढ़ रहा है, म्यूजिक वाली नाते, और फिर पीछे जिक्र हो रहा है। ध्यानदारी से बताओ, जो नात के पीछे जिक्र करते हैं वो अल्लाह की याद करते हैं कि म्यूजिक की आवाज निकालते हैं? क्या मकसद है? ये कोई तरीका नहीं। नात खानी एक हुसन है, आपने यहाँ नाते पढ़ी है, दिल राजी हो गया। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं थी, ख्वाहिश थी कि लंबी नाते चलते, क्यों म्यूजिक वाली नाते? और आप यकीन करें, रात में सफर से वापस आ रहा था तो रास्ते में नाते दूर से कोई सुनता था तो फर्क नहीं कर सकता था कि नात लगी है कि गाना लगा है। ये हमारा कोई तरीका नहीं, कतई तौर पर ये कोई अंदाज नहीं। नात तो उस चीज का नाम है कि आंखें बंद हो, हाथ बंधे हुए हो और तसव्वुर गुंबदे खजरा का। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नात पढ़ते पढ़ते दरवाजा रसूल तक पहुंच जाया करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। तो नात का असल तसव्वुर समझो, खुदा का वास्ता। ये देखो मेरे हाथ बंधे, जमात को बदनाम ना करो, रात को औरतों को लेके मॉडल देखने ना आना, खुदा का वास्ता बस कर। क्यों क्यों जुल्म करते हो अपनी जमात के साथ? अल्लाह का वास्ता बस कर। कब तक आपको समझाएंगे? जुबानें थक गई और कलेजे जवाब दे, मेरी कौम समझती नहीं। आपको पता है, फकत इसलिए किसी ने ये काम किया कि औरतें देखने आए, इसलिए ये काम किया कि औरतें देखने आएंगी, ये मॉडल जो बनाए हैं तो ये काम करना जायज ही नहीं। अगर इस नीयत से किया, खुदा का वास्ता बस करो। शरीयत इस्लामिया से बागी हो के भी नबी पाक राजी हो सकते हैं। रात को औरतों को लेके मॉडल दिखाने आते हो, तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे कयामत के दिन, नबी पाक के गुलाम। सिहाबा तुमसे पूछेंगे, बेपर्दगी बेहयाई, लड़के और लड़कियां चौकों में खड़े मॉडल देख रहे, शर्म नहीं आती? खबरदार, बहुत बड़ा मुजरिम होगा जो रात को अपनी औरतों को लेके आएगा और ये मॉडल दिखाएगा, वो मुजरिम है नबी पाक के दिन। और तमाशे थोड़े रह गए करने के लिए, अब नबी पाक के मिलाद का बेड़ा गर्क करने लगे हैं लोग। तबाही उतर गई, किसी को हया नहीं आ रही, कोई समझने को तैयार नहीं। और ये नौजवान, किस आलिम दीन ने कहा उस आलिम का नाम बताएं? एक भी नहीं कहेगा आपको कि मॉडल बनाओ और औरतों को बुलाओ। मैं बहुत अरसा पहले कहा था, फिर बात दोहराता हूं, गुंबद खजरा की तस्वीर जमीन पे गिरी हो तो गिरी रहने देते हो? बोले ना सारे, तो सुखनी नहीं तस्वीर, बोलते क्यों नहीं? और खाना काबा की फोटो जमीन पे गिरी हो तो गिरी रहने देते हो? तो फिर खाना काबा का मॉडल जमीन पे कैसे बन गया? फिर गुंबद खजरा का नक्शा जमीन पे कैसे बन गया? किस तरह तबीयत ने गवारा किया कि रूढ़ी वाली जगह पर नबी पाक के गुंबद का नक्शा बना दिया? कोई खुदा का खौफ करो, बनाना तो छत पे बनाओ, मस्जिद की छत पे बनाओ, मदरसे की छत पे बनाओ, किसी घर की छत पे बनाओ, खुदा बस करो। इतना जुल्म, रात को आप निकलिएगा शहर के अंदर, जिस तरह मेला लगा होता है इस तरह औरतें निकलती हैं। तो ये मिलाद मनाया जा रहा है, कतई तौर पर शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। हमारी हर जमात जुलूस निकालती है, हर सारा दिन जुलूस निकलते रहते हैं, जुलूसों में जाएं, हर हर जगह महफिल होती है, महफिलों में जाएं, नबी पाक की नात सुने, हुजूर की नात सीखें, नबी पाक के तराने पढ़ें, इन चीजों पर अपना वक्त सर्फ करें। देखें, मैं आप यकीन करें, जब लोग सवाल पूछते हैं, जब लोग ये मसला पूछते हैं तो कलेजा चिरता है। क्या मैं लोगों से ये कह दूं कि हमारी कौम हमारी बात नहीं मानती? ये कह दूं लफ्ज में? मैं कह दूं कि मेरी जमात के लोग अपने उलमा की बात नहीं मानते? लफ्ज बोल दूं, बताएं मुझे, फिर क्या जवाब दूं भाई? मैं तो कह रहा हूं कि ये काम नहीं करें, लेकिन कौम कर रही है, तो फिर क्या मैं ये कह दूं कि आपसे किया मैं पंजाबी वादू ने साढ़े तो ये लफ्ज कह दूं? हालांकि ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग हमारी बात मानते हैं। आप मेरी गुजारिश पे अमल करेंगे? देखे, मैं एक छोटा सा दीन का खादिम हूं, मैंने हाथ बांध के कहा, चलो आप भी घर वालों पे हाथ बांध लो कि खुदा का वास्ता ना आ जाओ, आप भी हाथ बांध लो, साथ वाले पड़ोसी को हाथ बांधे, यार तेरी मेहरबानी,
خدا کا واسطہ بس کر دیں۔ آپ یقین کریں اتنی تباہی، میں رات جہاں پہ تھا میں نام نہیں لیتا شہر کا، مجھے بڑی تسلی ہوئی، بڑا خوبصورت شہر سجا ہوا تھا، لیکن جب میں نے عورتوں کو آتے دیکھا، عورتوں کو، تو آپ یقین کریں اتنا برا۔ حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کتا جو ہوتا ہے بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتا بھیگ جائے تو ناپاک ہوتا ہے، یا اس کا تھوک ناپاک ہوتا ہے، سور نجس لین ہے، پورا ناپاک ہوتا ہے، وہ کپڑوں کو چھو جائے تو کپڑے بدلنے پڑتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا سور خنزیر جو پہلے ہی سارا ناپاک ہے اور پھر آگے وہ گند میں لچھڑا ہوا ہو، گندگی میں سور ہو اور اس کے اوپر پھر گند لگا ہو، فرمایا تیرے وجود سے وہ ٹچ ہو جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے۔ اتنا سخت حکم بیان کیا نبی کریم، اور یہاں حال یہ ہے کہ تماشا لگا ہوا ہے میلاد کے نام پر۔ مجھے کسی نے کہا بینڈ باجے سے جلوس نکلتا ہے، ہمارا اہل سنت کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، بولے ہمارا اسے بینڈ باجے اونچا بولے بینڈ باجے والے جلوس سے ہمارا کوئی تعلق ہے، ہاتھ نہ لاؤ زبان سے بولو ہمارا کوئی تعلق ہے، اور جو لوگ رات کو عورتوں کو لے کے آئے اور یہ ساری چیزیں دکھائیں ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، کتی طور پر کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے جو مہذب انداز میں رسول اللہ کے دین کی بات کی، جو عین شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بات کرے، ان لوگوں سے ہمارا تعلق ہے۔